हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। फ्रेंड्स, अपनी कोक से नए जीवन को जन्म देना किसी भी महिला के जीवन का सबसे अनुपम पल होता है। इस एहसास के लिए अपने गर्भावस्था के दौरान वो कई सपने भी सजाती है। महिला के मन में ये जानने की काफी उमंग होती है कि गर्भ किस तरह से पल रहा है, उसका विकास किस तरह से हो रहा है, वो क्या कर रहा है। परिवार के दूसरे लोग भी इस दौरान महिला की काफी देखभाल करते हैं। कुल मिलाकर पूरी फैमिली में खुशियों का माहौल बन जाता है। तो आइए जानते हैं गर्भ में किस तरह बड़ा होता है शिशु। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कौन सा समय गर्भधारण के लिए बेहतर होता है। जी हाँ, ओव्यूलेशन का समय यानी इसके एक दो दिन पहले यौन संबंध बनाना लाभकारी होता है। इस समय शुक्राणु और अंडे के मिलन यानी निषेचन होने की संभावनाएं सर्वाधिक होती हैं। ट्यूब में निषेचन होने के 5 से 6 दिन में भ्रूण गर्भाशय में आकर सतह पर चिपक जाता है, जिसे प्रत्यारोपण कहा जाता है। इस दौरान महिला को हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है, जो सामान्य है। गर्भ गर्भाशय में ही अपने विकसित होने का पूरा सफर तय करके जन्म लेता है। कैसे जाने गर्भधारण हुआ है? सामान्यतया महिला को शुरुआत में तो पता ही नहीं होता कि वो गर्भधारण कर चुकी है। पीरियड के 4th हफ्ते यानी 28 दिन के बाद भी महावारी नहीं आती है तो प्रेगनेंसी का टेस्ट करना चाहिए। अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो गर्भधारण होने के कारण थोड़ी कमजोरी, थकान, अचानक मूड बदलना और उल्टी आने की समस्या हो सकती है। जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है, उसके आसपास पानी की थैली यानी एमनियोटिक सेक बनने लगती है, जो उसके लिए तकिए का काम करती है। इस दौरान एक प्लेजेंटा भी बनने लगता है। ये माँ और शिशु को जोड़ता है, जिससे माँ के पोषक तत्व शिशु को मिलते हैं। पहले महीने में शिशु का चेहरा आकार लेने लगता है। इस दौरान मुंह, आंखें, नीचे का जबड़ा और गला भी बनने लगता है। साथ ही रक्त कोशिकाएं बननी शुरू हो जाती हैं और रक्त प्रवाह शुरू हो जाता है। पहले महीने के अंत तक भ्रूण का आकार चावल के दाने से भी छोटा होता है। दूसरे महीने में चेहरा और अधिक विकास करने लगता है। धीरे धीरे भ्रूण के दोनों कान बनना शुरू हो जाते हैं। दोनों हाथ, पैर और उनकी अंगुलियां, आहार नलिका और हड्डियां बनना भी आरंभ हो जाता है। 6th सप्ताह में शिशु की धड़कन सोनोग्राफी के माध्यम से देखी जा सकती है। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड बनाने वाली न्यूरल ट्यूब बन जाती है। शिशु में थोड़ी सी महसूस करने की क्षमता पैदा होने लगती है। इस महीने के अंत तक शिशु विकसित होकर 1.5 सेंटीमीटर का हो जाता है और उसका वजन 1 ग्राम होता है। 9वें से 13वें सप्ताह का समय शिशु के विकास का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, इसीलिए इसे पीरियड ऑफ ऑर्गनोजेनेसिस भी कहते हैं। इस समय तक शिशु के चेहरा, कान, हाथ, पैर और उंगलियां पूरी तरह से बन चुकी होती हैं। नाखून बनना शुरू हो जाते हैं और जननांग बनने लगते हैं। इस महीने के अंत तक हृदय, धमनियां, लीवर और यूरिनरी सिस्टम काम करना शुरू कर देते हैं। ये शिशु के विकास का क्रिटिकल समय होता है, इसीलिए गर्भस्थ महिला को अपना विशेष ध्यान रखना होता है। छोटी मोटी समस्या होने पर महिला को बिना चिकित्सक की सलाह के दवाई नहीं लेनी चाहिए। शिशु के विकास का पहला चरण 3 महीनों में पूरा हो जाता है, इसीलिए इसके बाद गर्भपात होने की संभावना कम ही रहती है। 3rd महीने के अंत तक शिशु की लंबाई 5.4 सेंटीमीटर होती है और वजन 4 ग्राम होता है। महिला का शिशु से भावनात्मक रूप से लगाव होना शुरू हो जाता है। 4th महीने में आंखें, भौहें, नाखून और जननांग बन जाते हैं। दांत और हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। अब शिशु सिर घुमाना, अंगूठा चूसना आदि शुरू कर देता है। इस महीने फीटल डोपनर मशीन से माँ बच्चे की धड़कन को पहली बार सुन सकती है। सामान्यतया इस समय डॉक्टर आपको डिलीवरी की तारीख दे देते हैं। शिशु का वजन 100 ग्राम तथा लंबाई 11.5 सेंटीमीटर होता है। 5वें महीने में सिर के बाल बनना शुरू हो जाते हैं। कंधा, कमर और कान बालों से ढके होते हैं। ये बाल बहुत मुलायम और भूरे रंग के होते हैं। ये बाल जन्म के बाद पहले सप्ताह तक झड़ जाते हैं। इसके अलावा शिशु पर एक वैक्स जैसी कोटिंग होती है, जो जन्म के समय निकल जाती है। इस समय तक शिशु की मांसपेशियां विकसित हो जाती हैं, इसीलिए वो हलचल शुरू कर देता है, जिसे माँ महसूस कर सकती है। महीने के अंत तक वजन 300 ग्राम और लंबाई 16.5 सेंटीमीटर हो जाती है। 6वें महीने में शिशु का रंग लाल होता है, जिसमें से धमनियों को देखा जा सकता है। इस समय शिशु के महसूस करने की क्षमता बढ़ जाती है और वो साउंड या म्यूजिक को महसूस कर उस पर प्रतिक्रिया देने लगता है। इस महीने के अंत तक उसका वजन 600 ग्राम और लंबाई 30 सेंटीमीटर हो जाती है। 7वें महीने में शिशु में फैट बढ़ने लगता है। उसकी आवाज सुनने की क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। लाइट के प्रति अपना रिएक्शन देता है और जल्दी जल्दी अपना स्थान बदलता रहता है। इस समय तक शिशु इतना विकसित हो चुका होता है कि किसी कारण से प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाए तो वो जीवित रह सकता है। 8वें महीने में शिशु की हलचल और अधिक बढ़ जाती है, जिसे माँ बहुत अच्छे से महसूस कर सकती है। इस समय दिमाग का विकास तेजी से होता है और वो सुनने के साथ देख भी सकता है। फेफड़ों के अलावा अन्य सभी शारीरिक अंगों का विकास पूरा हो चुका होता है। इस महीने में शिशु का वजन 1700 ग्राम होता है और लंबाई 42 सेंटीमीटर होती है। अब महिला का नए जीवन को दुनिया में लाने के प्रति उत्साह चरम पर होता है और वो जन्म का इंतजार
इंतजार करने लगती है। नवे महीने में बच्चे के फेफड़े भी पूरी तरह से बन चुके होते हैं। शरीर में हलचल बढ़ जाती है, पलकें झपकाना, आंखें बंद करना, सिर घुमाना और पकड़ने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। इस महीने के अंत तक गर्भाशय में जगह कम होने के कारण शिशु की हलचल कम होने लगती है। इस समय बच्चे का वजन 2600 ग्राम और लंबाई 47.6 सेंटीमीटर होती है। अब शिशु दुनिया में आने के लिए तैयार हो जाता है और धीरे धीरे नीचे आने लगता है। जन्म के समय सामान्यतया शिशु का सिर पहले बाहर आता है। महिला के गर्भधारण से लेकर शिशु के दुनिया में आने की यात्रा अनूठी और कई तरह के अनुभव लिए होती है। डॉक्टर द्वारा दी गई तारीख नजदीक आने पर महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी के लिए शरीर पर जोर डालने लगती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि महिला स्वस्थ है तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं अधिक रहती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमें आपकी कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।